नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर बड़ी हस्ती से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र में, जहां पर राष्ट्रीय संयोजक कांग्रेस सेवा दल के अशोक कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम बात करते हैं किसान आंदोलन को लेकर, और भी कई विषय हैं, कोरोना महामारी की भी विषय है, कुछ चुनाव के भी विषय हैं, जो उपचुनाव हुए हैं उन पर हम चर्चा करने उनके पास पहुंचे हैं। सबसे पहले हमारा मुद्दा किसान को लेकर है, क्योंकि किसान आज रोडों पर अपनी मांगों को लेकर दौड़ रहा है। कहीं पानी की बौछार है तो कहीं आंसू गैस के गोले हैं। अब इन सब बातों को लेकर, इन सब विचारों को लेकर अशोक कपूर जी से हम करते हैं कुछ सवाल। कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज में आपका। जी कपूर साहब, आज आपके देश का किसान रोडों पर दौड़ रहा है। पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, हर जगह से किसान आज जंतर मंतर पर जाना चाहता है। उसे रोकने के लिए फौजें खड़ी कर दी गई हैं, पानी की बौछार हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या लगता है ऐसे समय में आपको किसानों को देखते हुए? देखिए ओमपाल जी, जितनी निंदा की जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, इसके लिए सरकार की जितनी निंदा की जाए वो कम है। किसान तो हमारा अन्नदाता है, और किसान के लिए इस तरह का व्यवहार कभी भी ठीक नहीं माना जा सकता। किसान क्या, और भी कुछ प्रोफेशंस हैं हमारे, किसान है, फौजी है, हमारे मेडिकल प्रोफेशंस के हमारे डॉक्टर्स हैं, अध्यापक हैं, ये कुछ ऐसे नोबल प्रोफेशन हैं जिन लोगों की नींव पर, जिन लोगों की कंधे पर ये देश खड़ा है। और ये बात समझनी चाहिए सरकार को कि भाई इन लोगों की अगर जायज़ मांग है तो उनसे बात करके उस बात को पूरा करना चाहिए। आनंद फानंद में बिलों को पास कर दिया आप लोगों ने, बना दिया कोई अंबानी अडानी किसी बड़े बड़े लोगों के फ़ायदे के लिए, मगर आप ये तो देखिए कि उसमें किसान का फ़ायदा है या नहीं है। अगर किसान का फ़ायदा नहीं है तो किसान का फ़ायदा पहुँचे उससे बात करके ऐसी राह निकाली जाए, ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें किसान को भी फ़ायदा हो। MSP की बात करते हैं, मगर क्या MSP किसान को मिल पा रहा है? आज भी नहीं मिल पा रहा। किसान तो कौड़ियों के भाव बेच देता है भाई, बीच में दलाल खा जाते हैं। इसी तरीके से आपका वो सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि भाई वो ज़मीन भी वो अंबानी अडानी अपने पास कर सकते हैं, या किसानों से फसल भी वो डायरेक्ट उठा सकते हैं। तो ये जब अगर मंडी वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा तो वो तो मनमानी करेंगे ही करेंगे, वो तो व्यापारी हैं, वो तो लूटने का काम करते हैं। भाई आपको जियो सस्ते में दिया ना, आज तो लूट रहा है अंबानी आपको, वो तो जियो का सस्ते का ज़माना था, चला गया। तो ये समझ बाग दिखाना सरकार बंद करे, और अपने ये धनवान दोस्तों का साथ देना बंद करे, और किसानों का साथ दे, और किसानों की जो समस्या है उसको हल करे। कोरोना महामारी की स्थिति इस समय पूरे देश में बनी हुई है, और उस स्थिति को देखते हुए आज दौरा किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात अहमदाबाद का, कि अगले महीने तक वैक्सीन कोरोना की आ जाएगी, जिससे देश में सभी को वो वैक्सीन दी जाए और वो इलाज हो पाए इस महामारी का। शायद उस सबको देखते हुए 3 दिसंबर का समय किसानों को दिया गया है। क्या लगता है 3 दिसंबर को ये किसानों का जो आंदोलन है ख़त्म हो जाएगा और इन किसानों को संतुष्टि होगी? नहीं नहीं 3 दिसंबर का क्या मतलब है, ये तो इनको तुरंत करना चाहिए। कोरोना से और किसानों के आंदोलन से तो दोनों का कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है भाई। कोरोना को तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए घूम रहे हैं, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, अपना अपना काम कर रही हैं, दवाई बना रही हैं, जिस दिन उनकी दवाई कम्प्लीट हो जाएगी, बन जाएगी, वो खुद ही अनाउंस कर देंगे कि हमारी दवाई बन गई। ये तो आप अपने प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, जो भी करते हैं, मगर मेन मुद्दा यहाँ इन किसानों का है भाई। इन किसानों की आवाज़ को तो सुनो, आपके इतने सारे मिनिस्टर हैं, इतने सारे अफसर हैं, ये किस लिए बना रखे हैं? आपने जब कानून बनाया तो किसानों से राय करी? किसानों की तो सुनी नहीं, विपक्षियों की सुनी नहीं। आपने कानून बना के रख दिया कि नहीं साहब ये तो सब प्राइवेटाइजेशन हो जाए एक बार, कि पैसे वालों के हाथ में सब चीज़ चली जाए खेल, तो ये गलत बात है। अब आए हैं किसान तो उनसे बैठ कर के बात करनी चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। तारीखें देने से कुछ नहीं होगा, तारीखें आप पहले भी बहुत देते आए हैं और बहुत सारे झूठे वादे करते आए हैं, और जो सच्चा वादा इनसे करना है वो करा जाए।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने निरंकारी संत समागम मैदान में उन किसानों के लिए 24 घंटे के लिए भंडारा लगाया है, क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनका ये कदम बड़ा अच्छा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनसे स्टेडियम्स की जगह मांगी थी इन सब किसानों को जेल भरने के लिए, उन्होंने मना करा इस बात के लिए। इस बात की हम तारीफ करते हैं केजरीवाल जी की, और केजरीवाल जी अगर उनके सब व्यवस्था कर रहे हैं तो उसका भी उनको साधुवाद है, अच्छी बात है। अगर हम बात करें, अभी पीछे चुनाव हुए हैं बिहार के, हरियाणा में चुनाव हुए हैं उपचुनाव, तो दोनों की परिस्थितियों को देखा जाए और एग्जिट पोल की अगर बात करें तो क्या प्रकाश डालते हैं आप, और क्या आपकी सोच है इन दोनों चुनावों को देखते हैं? देखिए, मेरी 60 साल की उम्र में 31 साल तो मुझे भी राजनीति में हो गए, बिहार के चुनाव तो अप्रत्याशित हैं, बिल्कुल अचंभे की तरह है। पहले ईवीएम में हेराफेरी हुआ करती थी, अब तो पूरा चुनाव आयोग जो है वही जाकर के सरकार की गोदी में बैठा हुआ है। भाई आप देखिए, सुबह जब मतगणना शुरू हो गई तो 1:30-2 बजे तक काफ़ी सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो आगे चल रहे थे और जिनको खुशखबरी भी काउंटिंग करने वालों ने दे दी, बता दिया, और उनको शाम तक रात तक बिठाए रखा। और 10-15 लोग जिनके 500 तक वोटों का फर्क था, 100 से 500 तक का, और उन लोगों को बाद में सर्टिफिकेट दे दिया गया कि साहब आप हार गए। तो ये तो चुनाव आयोग सरासर बेइंसाफी कर रहा है लोगों के साथ में। मगर ठीक है, उनका तो एक ही धर्म है, एक ही ध्येय है, सरकार बनाना। वो अगर ये जेडीयू या गठबंधन जीत भी जाता तो उन्होंने बाद में भी तोड़ के बना लेनी थी, बनानी तो उन्होंने ही थी। हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने पहले बना ली और सीधे तरीके से सारी दुनिया को समझ आ गया कि चुनाव आयोग इनके साथ है, इनकी जेब में। वहीं हरियाणा में जो उपचुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस को सीट निकालने को मौका मिला, बिल्कुल वो तो 100% हमारा प्रत्याशी इस काबिल भी था। और हरियाणा में धीरे धीरे लोग खट्टर से नाराज होते जा रहे हैं और उसका ही नतीजा है कि वहाँ हमारा प्रत्याशी जीता है, और उसके लिए आपको हमें बधाई देनी चाहिए कि ऐसा समय पहले कभी ना आया हो। ऐसा समय पहले भी कई बार आया, मगर देखिए जो वोटर है वो सबसे सर्वप्रिय है, वो जो फैसला देता है वो हमें मानना पड़ता है। और वोटर की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वोटर की सोच हमेशा बदलाव की रहती है, चेंज करने की रहती है, और कहीं ना कहीं वो ये देखते हुए कि उसमें पब्लिक का फ़ायदा होगा और वो बदलाव करते हैं। और ये थोड़ा सा समय ऐसा ज़रूर हमारी पार्टी के लिए, हमारे लोगों के लिए चल रहा है। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN News। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।